Hey guys, welcome back to my channel Abhishekta and today क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सारी queries पूछी थी regarding FCI recruitment of AG3 right? तो this video will be your complete guide to your AG3 technical post and for that I have decided to divide this video into two parts क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा so but If all of you help me to achieve 500 subscribers and at least 1000 views on this particular video, then I promise you to call upon someone who has appeared for the assistant level exam, cleared it, and then the same person has appeared for manager level exam and has cleared it also. So that insightful and resourceful person will be very, very useful. बट उसके लिए यू विल नीड टू हेल्प मी टू गेट 500 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट एंड 1K व्यूज एटलीस्ट ऑन दिस वीडियो अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं बनता है यू नो टू कॉल अपॉन समवन टू वेस्ट देयर टाइम ऑल्सो अगर इस वीडियो को कोई देख ही नहीं रहा है तो देयर इज नो यूज राइट सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड लेट्स गो स्ट्रेट अवे टू द वीडियो वेरी वेरी वाइटल क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड बाय most of my friends ki which zone they should apply in right for everyone who is watching this video I would strongly suggest ki apne parent zone mein hi apply kare to enumerate east zone covers odisha jharkhand west bengal and bihar west zone covers I guess chhattisgarh gujarat maharashtra and mp the rest इन द नॉर्थ ईस्ट इज़ द नॉर्थ ईस्ट जोन सिमिलरली जो बच गए हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वो सारे इंक्लूडिंग दिल्ली चंडीगढ़ लद्दाख कश्मीर कम्स अंडर नॉर्थ जोन बाकी बचे हुए साउथ इंडिया के जितने भी हैं अंडमान एंड लक्षद्वीप इंक्लूडेड इज इन साउथ जोन ओके आपको ये दिख रहा होगा इन द नोटिफिकेशन दैट द नॉर्थ जोन हैज़ एडवर्टाइज फॉर मोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इन AG3 टेक्निकल राइट तो मैं आपसे ये जस्ट सजेस्ट करूँगी कि अप्लाई इन योर पेरेंट जोन इफ एट ऑल यू आर थिंकिंग कि यू नो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा सो इन दैट पर्सपेक्टिव इफ यू आर थिंकिंग देन आई विल नॉट डिनाई यू कि नॉर्थ में अप्लाई मत कीजिए बट आई विल जस्ट एन्यूमरेट सम फ्यू पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर अप्लाइंग इन नॉर्थ जोन पहला तो ये है कि नॉर्थ जोन में जो मेजर स्टेट्स हैं जैसे कि हो गया आपका पंजाब हरियाणा दीज टू स्टेट्स आर द मोस्ट प्रोक्योरिंग स्टेट्स इन द एंटायर कंट्री यही दो स्टेट है जो सारे स्टेट्स को यू नो मतलब सारे स्टेट के मुंह पे निवाला यही स्टेट देती है ओके एंड बिकॉज इस नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं सो काफ़ी हाई चांसेस है कि यू विल बी गेटिंग द यू नो पोस्टिंग इन दिस टू स्टेट्स ओनली लाइकवाइज आपकी वर्कलोड भी उतना ज़्यादा होगा ओके वर्कलोड विल इंक्लूड कि इन द इनिशियल स्टेजेस आपको पोस्टिंग जो है वो एज AG3 ऑफिसर्स में ही रखे जाएंगे इफ़ एट ऑल यू गो टू द डिपोज टू द फील्ड ऑफिसर्स ऑल्सो वहाँ पे भी आपको रिकॉर्ड मेंटेनेंस जैसे काम देंगे उतना तो डिफिकल्ट नहीं होगा आपको इन द वेरी बिगिनिंग बट सूनर लाइक इन 2 to 3 ईयर्स यू विल हैव टू हैंडल द ट्रेन लोडिंग थिंग दैट FCI डज जो हम यहाँ से लोड करके डेफिसिट रीजंस को फूड ग्रेन्स यू नो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं उसकी जो निगरानी है वो आपको करनी होगी उसको जो रेक्स भरवाना जो वाहन्स फुल करवाना है ना वो भी आपको करनी होगी यू विल हैव टू असिस्ट दैट ऐसे नहीं कि बोरियाँ उठाना है बट यू हैव टू असिस्ट दैट एंड ट्रस्ट मी नॉर्दर्न जोन में काम ज़्यादा है एंड पीपल स्टे अप टू 12 o'clock टू 1 AM एट नाइट वेल ये भी है कि द नेक्स्ट डे यू गेट अ हॉलीडे और यू कैन टेक अ लीव काइंड ऑफ थिंग्स दोज थिंग्स आर देयर यू आर कंपेंसेटेड दैट्स फाइन बट देन यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड अदर जोन्स में भी वर्कलोड है बट दिस इज़ नॉट द वे नॉर्थ जोन वर्क्स ऑफ FCI वर्क्स राइट सो कीप दैट इन माइंड थर्ड थिंग इज इफ़ यू आर थिंकिंग कि हम पेरेंट जोन से यू नो अपने स्टेट से बाहर अप्लाई कर रहे हैं फॉर दैट कीप इन माइंड कि जो ट्रांसफ़र है FCI में 3 टाइप्स हो रहे हैं करेंटली फर्स्ट वन इज़ योर टेन्योर ट्रांसफ़र ओके
विच इज़ आप 3 साल के लिए ले सकते हो, देन +1 +1 मतलब अप टू 5 ईयर्स अपॉन एक्सटेंशन आप ले सकते हो. ओके, परमानेंट ट्रांसफ़र हो सकता है. ऑन दैट इन दैट यू विल लूज़ योर सीनियोरिटी. मेजर यही प्रॉब्लम है कि जो आपकी लिस्ट होती है प्रमोशन पे, दैट यू विल लूज़ व्हेन यू नो टेक अ परमानेंट ट्रांसफ़र. थर्ड वन इज़ द म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो काफ़ी चल रहा है. म्यूचुअल ट्रांसफ़र इज सिंपली यू नो कॉन्टैक्ट समवन ऑफ योर जोन और विच एवर जोन यू वॉन्ट टू गो, यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैट द सेम पर्सन ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ द सेम सीनियोरिटी. I think, yes, of the same seniority also has to come to your place and you go to that place. That is it, mutual transfer, jo shayad railway se bhi hai. Okay, these three types of transfer are there. If you want to talk, me to talk on this topic elaborately, just let me know in the comment box, I'll make another video. Let's not make this video that longer, okay? So, ye major teen cheeza hai jo aapko mind mein rakhna chahiye before applying in the North Zone. Okay, kyunki yahan pe sabse zyada advertised hai post. People are trying to come here mostly. और yes, for taking a transfer also, I guess you will have to wait for 4 years. एक तो साल आपकी probation की होगी plus 3 years. Okay? Although आप request डाल सकते हो but you won't be considered. So secondly, I'm gonna take up another question which was regarding AG3 technical की जो training होती है, right? Training for AG3, all the cadres, okay, will be of 20 days. उसमें से 15 days आपकी general training होगी. You will be given an insight about FCI, you know, different cadres. You will be taught about all the cadres, 4 lectures a day. जहाँ पर आपकी posting होती है, in whichever office you are in, okay? उसी office में, चाहे वो regional office हो, चाहे zonal हो, चाहे divisional हो, okay? या फिर अगर depot में हो, तो depot और divisional का मिला के, you know, whichever district you are posted, you are imparted training there only. Unlike manager की जो training होती है, right? उसमें हमें IFS में, Institute of Food Security में training impart होती है. That is a different story. Let's not mix it here. You will be imparted, as I said, 15 days of general training और 5 दिन जो है वो आपकी cadre based होती है. ठीक है, तो technical के हो आप तो naturally आपके nearest depot में आपको different types of चीज़ें जो है बताई जाएंगी. पहले तो आपको परखी मारना सिखाया जाएगा, right? परखी मारना आई मीन इज़ द सैम्पल, यू नो द इंस्ट्रूमेंट विथ विच वी टेक आर सैम्पल्स फ्रॉम द बैग्स. ओके, सैम्पलर ही मार लो, दैट इज़ नोन एज परखी कॉमनली इन FCI. ओके, तो वो आपको सिखाया जाएगा, आपको सैम्पलिंग कैसे करनी है और सैम्पल एनालिसिस कैसे करने हैं, रिजल्ट कैसे देना है, कंसाइनमेंट कैसे रिजेक्ट होते हैं, कैसे एक्सेप्ट होते हैं, ऑल दोस थिंग्स विल बी टॉट अबाउट इन द डिपो इटसेल्फ. तो ये आपकी क्रिस्प और यू नो शॉर्ट ट्रेनिंग है, विच अगेन समवन हैज आस्क्ड डज नॉट अफेक्ट योर पोस्टिंग. ओके, आपकी ये ट्रेनिंग जो है वो पोस्टिंग के बाद ही होती है. अनलाइक मैनेजर्स, अगेन हमारी ट्रेनिंग पोस्टिंग से पहले हुई थी, आपकी ट्रेनिंग पोस्टिंग से बाद ही होगी. ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, दिस विल नॉट अफेक्ट योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग और एनीथिंग. ठीक है, योर सीनियोरिटी इज ओनली लिमिटेड टू द मार्क्स यू सिक्योर इन Level 2 इन द Phase 2 एग्जामिनेशन. ठीक है, उसी से ही आपकी सीनियोरिटी आएगी, उसी से आपके प्रमोशंस आएंगे. सो डू नॉट वरी मच अबाउट द ट्रेनिंग, उसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करना है. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबने पूछा था, विच इज़ रिगार्डिंग द बुक्स एंड द स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड. Phase 1 तो मैनेजर्स और यू नो सबके लिए, असिस्टेंट के लिए भी सेम है. सो समवन हैज आस्क्ड दैट इसको SSC लेवल पे है या बैंक लेवल पे है. आई थिंक फॉर दिस टाइम शायद ये SSC लेवल का रहेगा, बिकॉज इसमें जनरल स्टडीज भी आपके Phase 1 में ऐड हो गए हैं, है ना. तो you will have to think likewise. और उसमें ये mention भी है कि it is of you know Class 8 standard. So at least I suggest you need to cover Class 8 NCERT books of social science and science. और current affairs I again say, I'll say you know the last 3 months के current affairs, क्योंकि recruitment अभी advertisement on है. So take this as 1 month. मेरे ख्याल से आपके next 1 to 1.5 month में exam हो जाएंगे. सो दैट 1 month एंड द प्रीवियस 1 month. तो आप जुलाई से लेके जब तक एग्ज़ाम हो रहा है ना, तब तक की करेंट अफेयर्स जो है वो रेगुलर एक बार टच पे रखना. 5 questions है, सो मोस्टली कवर हो जाएंगे. द रेस्ट जनरल स्टडीज़ यू कैन टेक इट फ्रॉम NCERT और SSC लेवल के ही माइंड में रख के प्रिपेयर कीजिएगा. दैट विल बी ऑफ ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, विल बी इनफ आई गेस. फॉर Phase 2 जो टेक्निकल वालों के लिए है, विच इज़ ऑफ 2 parts, एज एन
agriculture, botany, geology, agriculture, physics, chemistry. For agriculture, both I would say कि आप इसको NCERT level पे ही रखिए, क्योंकि it is covering you know generally आप botany, geology और agriculture है, so I don't think much focus is on agriculture. It's a mixed course. और क्योंकि एलिजिबिलिटी में BSc जूलॉजी बॉटनी सारे अलाउड है, तो जाहिर है उनको एग्रीकल्चर उतना पता नहीं होगा. सो डू नॉट बी कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर फॉर असिस्टेंट्स. आई वुड से दिस इज मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगी, तो आपको उस बेसिस पे ही प्रिपेयर करना है, ठीक है. एटलीस्ट फॉर क्लास 12th की जो बॉटनी है, जूलॉजी है, अगर आप उस में ले रहे हो, और एग्रीकल्चर है वो क्लियर कर लो. इधर एग्रीकल्चर सेम, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी सेम. एटलीस्ट जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, जो टॉपिक्स मेंशन है, आप उस पर काम करो, है ना. उसकी आप ऑब्जेक्टिव करो, वही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, दैट वुड बी बेटर. और एग्रीकल्चर के लिए ऑफकोर्स यू विल हैव टू रीड इट, और उसके लिए क्रिस्प पढ़ने के लिए यू कैन टेक नीमराज सुंडा, उसकी PDF आपको हर जगह नेट पर मिल जाएगी. और इफ़ यू हैव मच टाइम, इफ़ यू आर अ वोरासियस रीडर, अगर आप थोड़े से भी थॉरो हैं, तो अरुण कात्यान के जो बुक्स हैं Part 1, Part 2, वो आप टॉपिक वाइज फॉलो कीजिए. अगेन आई वुड एनुमरेट कि प्लांट प्रोटेक्शन पे ज़्यादा नज़र रखिएगा. ज़्यादातर वहीं से ही क्वेश्चन मैनेजर्स में भी आए थे, मोस्ट प्रोबेबली असिस्टेंट में भी वही आएंगे. तो एंटेमोलॉजी हो गए, और आपके जो है प्लांट पैथोलॉजी, द केमिकल्स रिक्वायर्ड, द जनरल सेंस कि आप यू नो प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्रॉप बेस्ड पेस्ट जो हो गए या फिर क्रॉप बेस्ड डिजीजेस जो होगी उसकी रेमेडीज वगैरह पे काफ़ी फोकस रहता है. सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट, और एग्रीकल्चर इन जनरल उस पर भी फोकस रखिएगा. एंड एज आई सेड इन दिस बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, अगर आपको प्रॉपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए और फिर डीप इंसाइट्स टू लाइक कौन कौन से बुक्स कैसे फॉलो करने हैं, इफ़ यू वांट द क्लियर कट स्ट्रेटजी, प्लीज़ हेल्प मी रीच 500 सब्सक्राइबर्स एंड एटलीस्ट 1K व्यूज ऑन दिस वीडियो, सो दैट आई कैन हैव सम वेरी रिसोर्सफुल पर्सन फॉर यू टॉकिंग टू यू डायरेक्टली, है ना. तो उनकी वीडियो से आपको ज़्यादा हेल्प होगा, बिकॉज दैट पर्सन इज़ द वन हु हैज़ अप्लाइड एंड क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट, similarly has applied and qualified for manager exam in the same year, so he or she would be the most resourceful person for you. So please take advantage of this and do help me out. Lastly, I would take up a long list of questions by I guess Tejaswi. She had a DM on my Insta post. So Tejaswi, these are your answers. How long will the training period last? I told you it's about 20 days. Secondly, what is the salary during the training? It's the same salary that you get as an AG3, okay? If you want salary slip of AG3, you'll have to help me out. I can give you a live salary slip of AG3 and a manager as well. Okay, then about your desired posting, dear, this is again dependent on the zone you are applying, okay? You cannot apply in South zone and tell that you want a posting in Delhi, right? So for that you'll have to apply in North zone. And if you are applying for North zone, as far as I can incite you, because I'm here in North zone only, they will most probably post you in Punjab and Haryana. And if you are a girl, if you don't want to go to the depots, okay, you can stay in divisional offices. In FCI, it's not a rural posting at all. You will be posted in proper cities with a good transport and Wi-Fi facility, because we need the same. Okay, for transportation, for data communication, we need the same. FCI needs the same, so you'll be posted there. Wise, you will not be posted in rural areas without current, without electricity, without transport. So do not worry about that. The reasons are safe enough. Okay, I am here residing in Punjab, in the southern part of Punjab, all alone by myself. So don't worry about that. And about loan during your training. In case of AG3 training, okay, you are on your salary only. So of course you can apply for loan. Had you been for manager, then the case is different. But for AG3, you can apply for loan, so no issues.
And regarding holiday homes, you were asking, some places FCI has guest house, like Pune, FCI has guest house, like Delhi. In, you know, major where regional offices are there, FCI has its guest house, okay? So you can utilize that, of course, but you cannot stay there as in when you are already posted. Thus, guest house is just like when you are using it as a guest. When you are there at the place during your tour, or you are on your official tours also, you can use that. But you can't accommodate yourself there for, you know, forever, wherever you are in the service, you can't use that. Okay? So, guys, this is it. This video has already gone too far, I guess. Again, I will say, please help me reach 500 subscribers and 1,000 video views on this video, at least for your benefit only. Otherwise, कोई मतलब ही नहीं बनता, you know, to ask someone other to spare his or her time and help you out, right? So, waiting for your comments, your most valuable comments. Keep studying. Best of luck. See you in the next video. And thanks for watching.